मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। गाइज मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो सुबह सुबह से लग चुकी हूँ मैं अपने घर के कामों में और हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है। अभी टाइम हो रहा है 10। मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट। तो बनाने जा रही हूँ सूजी। तो पूरा सूजी जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो एक पैकेट मैंने फिर से डाल दिया है, रोस्ट करके रखूँगी। इससे क्या होता है ना, काम में आसानी होती है। जब भी मुझे बनाना होता है तो झटपट से बन जाता है और भूनने का कोई परेशानी नहीं रहती है। तो एकदम से भून के ठंडा करके डिब्बे में भर के रख दूँगी। तो सूजी बनाना हो या फिर सूजी का उपमा बनाना हो तो फटाफट से बन जाता है। तो चलिए, ये भून चुका है, अभी इसको एक थाली में डाल के अच्छे से ठंडा कर लेंगे, फिर रखेंगे। तब तक डुगू और बेटू के लिए मैं थोड़ा सा सूजी बना लेती हूँ और अभी हस्बैंड के लिए चलिए कुछ बनाते हैं। कल बेटू गई थी अपने पापा के साथ मार्केट, तो वो मैंगो लेके आई थी क्योंकि उसको मैंगो खाना बहुत पसंद है, पर इस मैंगो का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो इसीलिए हस्बैंड ने बोला इसका लस्सी बना दो, क्योंकि एक काट के खाई थी अच्छा नहीं लगा। तो इसीलिए आज इस मैंगो का हम लस्सी बनाएंगे। तो इसको काट के पहले पल्प निकाल लेते हैं, फिर इसका लस्सी बनाते हैं। और बेटू डुगू को लेकर उसके पापा अभी गए हैं थोड़ी देर के लिए बाहर, उनका आज इवनिंग शिफ्ट है। तो मुझे फटाफट से लंच भी बनाना है। तो फ्रिज में ज़्यादा कुछ है नहीं, जो भी है आज ख़त्म करेंगे, फिर फ्रिज क्लीन करेंगे, उसके बाद सब्जी वगैरह वो लाएंगे। और ये देखिए हमारा जो मैंगो प्यूरी है यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो थोड़ा सा ले लेते हैं दही, साथ में मैंने मैंगो के साथ ही शुगर डाल दिया था थोड़ा सा, तो यहाँ पे मैंगो का प्यूरी भी डाल दिया और बस मिक्स कर दूँगी। तो गाइज़ मैं आप लोगों से मिल रही हूँ बहुत देर के बाद। जस्ट मैं अभी नहा के निकली हूँ। टाइम क्या हो रहा है वो मैं बाद में बताती हूँ। कुकिंग वुकिंग सब कुछ हो चुका है, हस्बैंड को भी ड्यूटी भेज दिया है। बस अभी नहाने के बाद थोड़ा सा स्किन केयर तो ज़रूरी है, तो वही कर रही हूँ, बस टोनर और मॉइस्चराइजर और कुछ नहीं। तो चलिए अभी टाइम बताते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर का, 1:30 बजने ही वाला है, बस 1:20 हुआ है। और आज का मौसम काफ़ी ख़राब है, धूप नहीं निकला है, बहुत ही ठंड लग रहा है आज, हवा भी बहुत ही ठंडा ठंडा दे रहा है। तो डुगू भी सो चुका है, उसको मैंने लंच करवा दिया है, उसके पापा के साथ ही उसने आज लंच किया था, दोनों ने एक साथ। तो चलिए अभी हम माँ बेटी दोनों ही बाकी है लंच के निकले, तो कर लेते हैं। बेटू ने बोला था थोड़ी देर बाद मैं खाऊँगी, तो इसीलिए वो मेरे साथ ही खाएगी। और आज मैं कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि जिस दिन हस्बैंड का इवनिंग शिफ्ट होता है ना गाइस, मुझे बहुत ही हड़बड़ाहट होता है कुकिंग में, और साथ में बच्चे तो है ही, तो इसी वजह से फटाफट से कर लिया, सोचा कि आप लोगों के साथ बाद में शेयर करेंगे। तो अभी मैं हमारा लंच परोस रही हूँ बेटू और मेरे लिए। तो आज मैंने क्या क्या बनाया है वो भी आप लोगों के साथ मैं अभी ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा आज का थाली था, जो भी बचा कुचा था वही लिया है। लेमन, साथ में थोड़ा सा मिर्च का अचार घर का बनाया हुआ, थोड़ा सा पकौड़ा बनाया था प्याज का साग, और थोड़ा सा मिक्स वेज था, थोड़ा बहुत सब्जी था तो वो फ्राई कर दिया है, यहाँ पे दाल। सो ये है हमारा आज का सिंपल सा लंच गाइस। तो चलिए अभी माँ बेटी खाते हैं, और आज जो गुस्सा हो गया है तो इसीलिए बेटू का ये है कि डिमांड है कि आज मम्मी मुझे खिलाएगी, तो चलिए खिला देते हैं। और मैं अगर खिलाऊंगी तो थोड़ा बहुत सब्जी भी जाएगी अंदर, वरना सिर्फ दाल और राइस ही जाएगी। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा साग राइस के साथ मिक्स करके उसको खिला रही हूँ। तो चलिए फटाफट से अभी तो लंच कंप्लीट करते हैं, फिर दोपहर का जो कुकिंग करने के बाद का काम होता है वो करेंगे, क्योंकि मेरा पूरा घर का हालत बहुत ही ख़राब है। सो ये विंडो पहले तो मैं लगा देती हूँ कि किसका पे आपने देखा होगा कि इसमें नेट था, पर मैंने वो खोल दिया है क्योंकि कल रात को ना बहुत तेज़ बारिश और हवा चल रहा था,
तो वो अपने आप ही निकल गया था, तो मैंने इसीलिए उसे खोल के ही रख दिया। तो इसीलिए विंडो मुझे पहले ही लगा देना पड़ता है कि ताकि बिल्ली वगैरह कुछ ना आ जाए और मच्छर भी घुसने लगेगा, तो इसलिए बंद कर दिया। अभी चलिए किचन फटाफट से क्लीन करते हैं। बर्तन वगैरह बहुत सारा पड़ा हुआ है, किचन भी बिल्कुल भी मैंने मतलब साफ़ नहीं कर पाई थी, जैसा कि तैसा ही था, सब्जी पड़ा हुआ था, सब कुछ ऐसे ही तैसा था। तो अभी करूँगी। डुग्गू भी देखिए उठ चुका है, तो इसीलिए और रेस्ट नहीं किया, बस थोड़ी देर ही लेटी थी, फिर डुग्गू उठ गया। तो सोचा चलो लेट के क्या करेंगे, घर का काम ही निपट लेते हैं, फिर बच्चों को बाहर भी जाना ले जाना पड़ेगा, वो जो जिद ज़रूर करेंगे कि मुझे बाहर ले चलो बाहर ले चलो, तो इसीलिए घर का काम जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर लूँगी तो मेरे लिए अच्छा होगा। चलिए किचन का काम हुआ मेरा ख़त्म, अभी बारी है घर समेटने की, बच्चे का खिलौना, फिर हस्बैंड का सामान। घर में गाइस दो बच्चे के साथ साथ एक बड़ा भी बच्चा होता है हर किसी के घर में, हस्बैंड। तो हस्बैंड हर एक सामान ऐसे बिखरा के रखते हैं ना, ड्यूटी से आने के बाद यूनिफॉर्म, नहाने के बाद टॉवल, मतलब कहीं भी रख देते हैं। जूता पॉलिश किए थे, फिर ब्रश भी वैसे ही तैसे ही पड़े थे, सब कुछ। तो मैं अभी सब कुछ समेटूंगी। एक बात कि हस्बैंड नहाने के बाद ज़्यादातर टाइम गीला टॉवल जो है बिस्तर के ऊपर रखते हैं, तो वो बहुत बोलने के बाद वो आदत गई है, बट अभी भी सही जगह पे कुछ भी चीज़ नहीं रहता है। टीवी देखने के बाद रिमोट वो भी नहीं उठा के रखेंगे, अगर बच्चे पटक देंगे या फिर टूट जाएगा तो फिर गुस्सा किसको मतलब होंगे, किसके ऊपर, मेरे ऊपर या फिर मेरे बच्चों के ऊपर। तो ये होता है हर घर की कहानी, और इसी बात पे हस्बैंड के साथ हमारा झगड़ा भी हो जाता है। बट क्या करें, झगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, उनका जो करना है वो वही करेंगे और हमारा जो काम है हमें वही करना पड़ेगा। सो हम चिल्लाते रह जाएंगे और वो अपना काम करते रह जाएंगे। तो चलिए अभी बच्चे खेल रहे हैं, मेरा सारा काम हो चुका है, मैं बैठ चुकी हूँ, थोड़ा थोड़ा बैठ के उन लोगों के साथ बातें कर रही हूँ और मैं भी थोड़ा सा उनका जो मस्ती है वो इंजॉय कर रही हूँ। अभी कुछ करने लायक है नहीं, बेटू तो बाहर जाने के लिए एकदम तैयार है बट अभी जाने का मन नहीं है, क्योंकि अभी एक काम है मुझे, ये फ्रिज क्लीन करूँगी, अभी एकदम खाली हो गया है। तो फ्रिज जब भी खाली होता है तो आसान होता है क्लीन करने में, वरना हर एक सामान निकालो फिर क्लीन करो तो दिक्कत हो जाता है। और आज दो दिन इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था रात को, तो आसानी हुआ, जो अंदर बर्फ जमा हुआ था ना वो भी निकल गया। सो चलिए ये देखिए मेरा फ्रिज एकदम क्लीन हो गया है, और थोड़ा बहुत बाकी का सामान जो था वो मैंने निकाल दिया है, बाद में रख दूँगी, मतलब केचप वगैरह। और ये देखिए फ्रीजर भी एकदम क्लीन हो चुका है। तो यही कुछ यहाँ पे सब्जियाँ हैं जो बचा कुचा है, तो ये रात को हमारा सब्जी बन जाएगी आज। तो चलिए अभी तो थोड़ा बहुत चाय बना लेते हैं, बच्चों के लिए दूध गर्म करते हैं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम है, दुकान जाना रोज़ और दूध लाना, दो यूनिट में अच्छा था। इससे पहले दूध लाने के लिए जाना नहीं पड़ता था, घर में ही मिल जाता था, तो एक काम कम। और आज मैंने दो बार चाय पिया था सुबह, हस्बैंड बना के दिया था तो शुगर भी लिया था, तो एकदम शुगर नहीं लूँगी। तो दो रास के साथ मैंने अपना टी इंजॉय किया, उसके बाद जो सब्जियाँ बचा के रखी थी वो काट लिया, ये रात को बनाऊँगी। और थोड़ा सा बचा था करेला जो, उसको भी काट के रख दिया, अगर कल सुबह हस्बैंड का मॉर्निंग शिफ्ट हुआ तो ब्रेकफास्ट में दे दूँगी, क्योंकि उनको करेला भाजी बहुत ज़्यादा पसंद है रोटी के साथ। तो चलिए आप लोगों के साथ बातें करते हुए मैंने सब्जी भी चढ़ा दिया है, वैसे बहुत ही कम मसालों के साथ मैं ये बना रही हूँ एकदम सिंपल तरीक़ों से। सो यहाँ पे सब्जी बन चुका है, अभी फटाफट से बनाएंगे रोटी। आटा मैंने पहले ही गूंद के रखा था, साथ में बेटू को पढ़ाना भी है। तो चलिए गाइज आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना। तो बाय बाय गाइज, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, गुड नाइट।